नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सर्प मित्र। और आज हमें जो कॉल आई है वो ग्राउंड दुलखरा से आई है, और आपको दिखाते हैं एक बड़ा ही खूबसूरत और दिलचस्प मांजरा है। आइए दिखाते हैं और मिलाते हैं आपको। आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन का काम है। जो आप देख सकते हैं लेटरिन बाथरूम बनाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर एक गड्ढा कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर दो रेट स्नेक हैं, जिसको धामन, घुड़ पछाड़, घोड़ा पछाड़ बोला जाता है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम होते हैं। अब वैसे भी इनका प्रजनन का टाइम चल रहा है, जो मौसम के ऊपर डिपेंड करता रहता है। और ये 3 माह के बाद में अंडे देती हैं, प्रजनन होने के बाद में 3 माह के बाद अंडे देती हैं। 3 माह के बाद इसके बच्चे निकलते हैं। और इसको अब निकालते हैं, दिखाते हैं आपको नज़दीक से। आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम साइज होता है लगभग 8 फीट का होता है। कुछ कुछ सांप जो इसकी प्रजाति के पाए गए हैं रेड स्नेक के, वो लगभग 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 11 फीट के आसपास कर पाए जाते हैं। भैया अटारनी से। और इसके प्रजनन का टाइम चल रहा है, तो ये इस वजह से रात के टाइम में प्रजनन कर रहे होंगे, तो इसमें गिर चुके हैं। और इसके अंदर जैसे ही हमें सूचना मिली, हम तुरंत यहाँ पर आए हैं। और अब निकालते हैं इसको। भाई नशे डाल दो इसमें, उल्टी करके डालियो दोस्तों। लगभग लगभग उसकी हाइट देखने में लग रही है जैसे लगभग 8 फीट के लगभग हो, और जितनी भी हाइट होगी आपको दिखा दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। बड़ा वाला वो नर है, ये मादी है। और अब चलते हैं नीचे। भैया बचा के लगे ना उसका, चले दोस्तों। अब चलते हैं नीचे और देख सकते हैं। और अब निकालते हैं बाहर, पैर भीग जाएंगे। एक ईंट दे दियो। दोस्तों इसमें जूते और पैर भीग जाएंगे, इस वजह से थोड़ा सेफ खड़े होने की कोशिश करती है। दोस्तों इसके अंदर किसी तरह का जहर नहीं होता है, ये एक मिथ होती है। बोलते हैं कि इसकी पूंछ में डंक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूंछ सामान्य होती है, लेकिन ये अपने बचाव के लिए इंसान के ऊपर अपनी पूंछ से वार कर सकती है। और ये छिपकली नहीं खाती है, चूहे और ये चिड़िया वगैरह खाती है। और अब लेके चलते हैं इसको बाहर, आपको दिखाते हैं इसे नजदीक से। और ये भी अब आ चुके हैं दोनों बाहर, लेके चलते हैं इसको बाहर। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका साइज काफी बड़ा है। और आप देख सकते हैं ये दोनों इसी के अंदर हैं। दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई भी जहर नहीं होता है, और ये अपने प्रजनन करते करते टाइम भी होता है ना, कि प्यार में अंधा हो गया इंसान, तो इसी वजह से ये भी अपने इसमें महबूब होने के बाद में ये गड्ढे के अंदर गिर चुके हैं। और जैसे इस अंदर कोला ही हम तुरंत आए यहाँ पर। भैया थैला कहाँ पर है? दोस्तों अब इसको करते हैं इसके अंदर पैक, और ये अपने शिकार को कुंडली बना लेते हैं जो हमला करते हैं। और आप देख सकते हैं ये काफी बिग साइज का है। और आपको एक बार और इसे दिखाते हैं, आप देख सकते हैं लगभग लगभग 5-7-8 फीट का। ये पेड़ों पर भी बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं, और आप देख सकते हैं इसको, ये हमला भी कर देते हैं, काट भी लेते हैं, लेकिन एक दो बार ये काटते हैं, उससे ज्यादा ये काटते नहीं है। इंसान की गलत फहमी होती है कि इसकी पूंछ वगैरह में डंक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसको फाइनली पैक करते हैं थैले के अंदर। दोस्तों ये इसके अंदर जा चुकी है, और अब इसको भी इसके अंदर भेजते हैं। और ये भी अब इसके अंदर जा चुकी है। दोस्तों इसका वेट भी ज्यादा है, वजन भी ज्यादा है,
काफी बिग साइज क्या फुल साइज साइज है इसका। और अब इसको आपको जंगल में छोड़ते की वीडियो दिखाते हैं, अभी वीडियो में बने रहिए। चलो दोस्तों, अब आ चुके हैं फाइनली जंगल के बीच में। ये अंडे देती हैं, 6 से 8 अंडे देती हैं, और ये इसके बच्चे 3 महीने के अंदर अंडे से बच्चे निकल जाते हैं। और ये कैमरे के अंदर जो किसी लैब वगैरह के अंदर जीवित रहते हैं तो ये 10 से 18 साल तक जी सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली अगर जंगल के खुले वातावरण में रहते हैं तो ये 10 से 13 साल के अंदर ही इनकी मौत हो जाती है। वो इस कारण हो जाती है क्योंकि कभी कभी तो ये एक दूसरे का शिकार बन जाते हैं, किसी इंसान या किसी जानवर द्वारा मार दिए जाते हैं। यही इनका सबसे बेस्ट आइडिया है कि इनकी जितनी भी हो सके इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जान बचानी चाहिए। और इसको अब छोड़ते हैं जंगल के बीच में, जो दोनों अपने जीवन को बड़े ही प्यार से वो करेंगे। और आप देख सकते हैं, यदि आपके भी घर के आसपास कर निकले तो आप हमें कॉल करके बुला सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अब इसको जाने देते हैं। और भैया इसको पास में ही तालाब नदी है, नहर जो बोलते हैं जिसको, इसके अंदर ये मस्ती करते हैं। और अब देखते हैं आपको, इनको अब जाने देते हैं। दोस्तों अब ये जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इनको अब जाने देते हैं। ये अब गए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।